नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, यूपी सरकार में जो 69,000 वैकेंसी हुई थी प्राइमरी स्कूल टीचर की, वहां पे एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है और कहा है कि जो सूची बनी है टीचरों की वो बिल्कुल गलत है और इसे तुरंत जो है निरस्त करके 3 महीने के अंदर अंदर एक नई सूची जारी की। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि 2 साल पहले यूपी में जो है 69,000 प्राइमरी स्कूल टीचरों की नियुक्ति हुई थी, उसमें बड़े धूमधाम से बीएड वाले को भी शामिल कर लिया गया था, जो कि उनका अधिकार वहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी शामिल कर लिया गया था। तो उस पर तो बात चली रही थी, लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम हुए, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनी, तो वहाँ पर भी जो है बहुत बड़ा तकरार देखने को मिला था और साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे आरक्षण वर्ग को जो है वहाँ पे सही प्रकार से उस सूची चयन सूची में जो है नहीं जगह दी गई थी। वो अपना मामला हाईकोर्ट में लेकर के गए थे और कई सालों से जो है वो लाठियाँ, धरना प्रदर्शन और चोटें खा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है अड़िंग रही। लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक आप अपनी मनमानी करेंगे तो उसकी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट जो है जब ख़त्म होगी तो हर ओर से सरकार घिर जाती है। तो एक बहुत बड़ा फैसला आया है, अब योगी सरकार को जो है इस जो 69,000 को आरक्षित वर्ग को जो जिसे शामिल किए हैं उसमें से उनको वहाँ पे बदलाव करना होगा, और ऐसे बदलाव में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ओबीसी हैं या एसटीएससी आरक्षित वर्ग के हैं, उनको वहाँ पे जो है एक नई सूची जारी करके नए तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उनको फिर से शामिल करना होगा। तो इस तरीके से ओबीसी और जनरल वर्ग में करीब करीब 18,000 सीटें जो हैं प्रभावित हो सकती हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी अपडेट है, अब 3 महीने के अंदर अंदर जो है आरक्षित वर्ग के नियमानुसार जो है अब आयोग को फिर से जो है एक मेरिट बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में जो टीचर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? तो सीधे सीधे वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो वे हैं वे अपनी नौकरी करते रहेंगे जब तक नए टीचर ना आएंगे, उनके बाद वे अपना सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन साफ साफ जो नियम कानून बनकर दिख रहा है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी भी कीमत पे राहत नहीं मिल सकती है। अब उनका क्या होगा आगे, वो तो खुद समझें, खुद सरकार समझे, लेकिन ये है कि यहाँ पे आरक्षित वर्ग के नियमों की अनदेखी की गई है। खुद उनके पार्टी के सदस्य भी इस बात को पहले से उठा रहे थे, लेकिन कैसे ये अपनी हार मान लें, कैसे लोगों के सामने माफ़ी मांग लें और कहें कि हमने अपनी गलती की है। हालांकि सरकार की नहीं, यहाँ पे आयोग के वहाँ के अधिकारियों की पूरी टीम की यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हो गई है, और ये चूक जो है हमें, हम जैसे जो हैं, हमारे साथी, हमारे दोस्त जो लोग हैं, उनको चुकानी पड़ेगी कि इतनी मुश्किल से नौकरी मिलती है। हालांकि उनमें उनकी कोई दोष गलती नहीं है, लेकिन इस तरीके से इस भर्ती में जो है सरकार यानी आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है। पैसे के लिए या जैसे मन तैसे के लिए सरकार ने यहाँ पे कुछ निम्न वर्गों की यहाँ पे या कुछ निचले कास्ट के लोगों की यहाँ पे उपेक्षा की है, जिसकी वजह से कई घर जो हैं इस समय तबाह होने के कगार पे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई आगे का हो सकता है रास्ता भी ना हो, एज ख़त्म हो गई हो। तो इस तरीके से सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो भी जैसे भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।